ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, कारणों का निवारण कैसे करें। मन में कोई ना कोई समस्या जरूर है, और जहां समस्या है उसके नेगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके विचार नेगेटिव चलते हैं उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, वो दूसरों का परचिंतन करता है। जिसने उसके जीवन में समस्या निर्माण की उसके लिए उसको गुस्सा आता है, उसको नफरत करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, दिल में दूरियां बन जाती है, ये सब क्यों हो रहे हैं। समस्याओं का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। इसलिए ऐसी समस्याओं का हमें खुद समाधान करना है, और जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है, वो कर्मयोगी बन सकता है, वो बैठ करके भी योग लगा सकता है। ये बहुत बड़ी कला है समस्याओं का समाधान करने की और कारणों का निवारण करने की। जिन्होंने ये कला नहीं सीखी वो अपना टाइम वेस्ट करता है, दूसरे के लिए नफरत करता है, इतने भगवान के ऊपर भी दोष लगाता है, मुझे ऐसा क्यों किया। इसलिए आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, जीवन में आने वाली कारणों का निवारण कैसे करें। कारण आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन हमें इस ज्ञान के आधार से उसका समाधान करना है। जो समस्याओं का चिंतन करता है वो वायुमंडल को खराब करता है, जो समस्याओं का चिंतन करता है उसको एक प्रकार का तनाव पैदा होता है, तनाव क्या है, मन में चलने वाले निगेटिव विचारों की स्पीड ज्यादा, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसके मन में लगातार निगेटिव विचार चलते हैं वो मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। इसलिए मन को चुप रखो, इतना ही नहीं, जो समस्याओं का चिंतन करता है, कारणों का चिंतन करता है, वो आत्मचिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान। जो कारणों का निवारण कर सकता है वो ज्ञानी है, जो कारणों का निवारण नहीं कर सकता उसके पास ज्ञान की कमी है। जो समस्याओं का चिंतन करता है उसको चैन की नींद भी नहीं आएगी,
उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वो कई प्रकार के खजानों को वेस्ट गवाता है। क्योंकि सबसे महत्व का खजाना है समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। इसलिए कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। जो समस्याओं का कारणों का व्यर्थ ही चिंतन करता है उसको क्रोध आता है, और जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिसके सोच निगेटिव हैं वो हमेशा दुखी हैं, जिसके सोच पॉजिटिव है वो सदा सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, जिसके सोच पॉजिटिव वो सुखी, जिसके सोच निगेटिव वो दुखी। जिसके सोच ही निगेटिव है उसको हर व्यक्ति की गलतियां ही दिखती है, वो हर इंसान उसको बुरा ही दिखता है। इंसान बुरा नहीं है, उसने अपने सोच को निगेटिव बनाया। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने चश्मे को पॉजिटिव बनाओ। और वो कैसा बनेगा? सोच से, विचारों से, कारणों का निवारण करने से, समस्या का समाधान करने से। जिसके सोच निगेटिव हैं उस व्यक्ति का दिमाग भी ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? गर्म, क्योंकि निगेटिव की स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे कल भी बताया था, जिसके सोच निगेटिव हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, और स्पीड निगेटिव होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण दिमाग गर्म होता है, और उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और उसे भी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट नरम रखो, दिमाग ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव सोच। जीवन की अलग अलग प्रकार की समस्याएं, समस्या किसी को सुनाने से, सोचने से खत्म नहीं होती। उसको समस्या का समाधान करो और अपने टाइम को बचाओ। 70% लोगों को आजकल जो बीमारी हो रहे हैं समस्या का चिंतन करने से, कारणों का चिंतन। इसलिए कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। मुझे लगता है पिछले साल की सारी 12 मुरलियां थी, वो 12 मुरली का टोटल सार था। बाबा ने कहा बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि जो कारणों का निवारण करेगा, समस्या का समाधान करेगा, वही ज्ञान का चिंतन, आत्मचिंतन, मनन चिंतन करके टाइम सफल करेगा, वो हल्का रहेगा। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। अब उसको डिग्री मिलेगी तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। इसी तरह हम भी क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो फरिश्ता मतलब क्या? जो आपको ड्यूटी मिली है, जिस घर में आपको रखा है, जिस गली में आप रहते हैं, वो हल्के बनकर रहना। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे कोई
सेंटर पर रहता है चाहे कोई घर में रहता है, हल्के बनकर रहना, भारी नहीं बनना, यही ज्ञान सुनाता है हमें कि घर को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना, लेकिन इस ज्ञान के आधार से उस आने वाली समस्या को हल्का बनाना, वो है ज्ञानी। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है, वो अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा उसको परमात्मा का आसन मिलता है। जिसको परमात्मा का दिल का आसन मिलता है उसको ही भविष्य की राजाई मिलती है। तो भविष्य की राजाई लेने के लिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो।